नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और वह है दोस्तों दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस ने दोस्तों हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, तो नोटिफिकेशन हमारे पास है और इसका लिंक भी दोस्तों आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो लिंक पर क्लिक करके आप पूरा PDF फाइल देख सकते हैं, जिससे पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। दिल्ली पुलिस ने दोस्तों हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस में जो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में वैकेंसी निकालने जा रही हैं, तो वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो दिल्ली पुलिस की साइट पर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों आपको अभी इस नोटिफिकेशन में बता देंगे कि क्या नया है। हाल ही में दोस्तों बहुत से चेंजमेंट किए गए हैं, तो उन चेंजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने 7/6/2019 को, ये आपको डेट दिखाई दे रही है, 7 जून 2019 को हाल ही में ये नोटिफिकेशन जारी, कल ही जारी किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप धीरे धीरे देखते रहें कि इसमें हाल में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में हमें देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिक्वायरमेंट की बोर्ड के द्वारा इसमें दोस्तों एक चेंजमेंट ये किया गया है कि मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, जो 100 नंबरों की होगी, जो दोस्तों पहली बार दिल्ली पुलिस से करवा रहा है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद में फिजिकल PET टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वह दोस्तों क्वालिफाइंग होगा, जितने भी नंबर होंगे वो आपको पास करना होगा। यह दोस्तों दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मेजर चेंज किया है कि पहले एग्जाम करवाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाएगा यानी ऑनलाइन एग्जाम होगी, तो उसके बाद 100 नंबरों की होगी, उसके बाद में उसमें जो फिजिकल टेस्ट है वो उसके बाद में होगा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी निर्धारित किया दिल्ली पुलिस ने, तो वह पॉलिसी है दोस्तों कि 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC कैंडिडेट के लिए तय किया दोस्तों, और 10% फॉर जो EWC जो जनरल वर्ग के, जो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास है यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% आरक्षण इसमें तय किया गया है। तो अब जनरल वालों के लिए भी 10% आरक्षण हो गया है, और 27% OBC वालों के लिए, 7.5% ST वालों के लिए, तो 15% SC वालों के लिए आरक्षण दिल्ली पुलिस ने इस वैकेंसी में निर्धारित किया है। इसके अलावा दोस्तों और क्या चेंजमेंट किए गए हैं वो भी देखते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो दिल्ली पुलिस का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए फॉर ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ये 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों और जो जरूरी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आपकी उम्र क्या है, यदि आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 18 से 25 वर्ष के मध्य के होने चाहिए। इसके अलावा जो SC ST OBC में जो छूट मिलती है वो अलग से आपको मिल जाएगी। यदि आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट यानी 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और SC से आते हैं तो 30 साल तक आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज आवश्यक होगी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों दिल्ली पुलिस बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये अभी वैकेंसी जल्दी निकलने वाली है, तो तैयारी में आप अभी से लग जाएं। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कितने पदों पर वैकेंसी आएगी वह जानकारी आते ही हम आपको वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे दिल्ली पुलिस की कोई भी सूचना आते ही हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दें। दोस्तों इसमें जो फिजिकल रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो इसमें हाइट चाहिएगी 170 सेंटीमीटर की, इसमें हाइट जरूरी है 5 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर रेजिडेंस ऑफ हिल एरियाज, ये जो पहाड़ी एरिया के लिए 165 मीटर रखी गई है, 5 सेंटीमीटर का इसमें छूट दी गई है। तो ये दोस्तों हाइट रखी गई है दिल्ली पुलिस में। चेस्ट कितना होगा, चेस्ट दोस्तों इस बार किया है 81 सेमी से 85 सेमी, 81 सेमी नॉर्मल होना चाहिए, तो फुलाने के बाद में 85 सेमी यानी 4 सेमी आपका सीना फूलना चाहिए, ये रखा है चेस्ट का दोस्तों रखा है। और पहाड़ी एरिया के लिए इसमें 5 सेमी की छूट दी गई है, और ST कैंडिडेट को भी 5 सेमी की छूट दी गई है, ये दोस्तों चेस्ट में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी जानकारी, जो दौड़ होगी वो कितनी होगी, तो अप टू जो 30 ईयर हैं उनके लिए 6 मिनट 1600 मीटर में दौड़ होगी, अबव 30 से 40 ईयर हैं उनके लिए 7 मिनट होगी, और अबव 40 ईयर्स 8 मिनट की दौड़ होगी। ये दोस्तों किसके लिए दिया गया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल और कैंडिडेट इंक्लूडिंग एग्जाम सर्विस एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यह रेशियो तय किया गया है। इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे PDF में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको
आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हमने आपको बता दी, एज क्या है वो हमने आपको बता दी, और इस बार दोस्तों एक बड़ा चेंजमेंट जो हो रहा है वह एग्ज़ाम पहले होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। अब जो फीमेल महिलाएं जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं दोस्तों, तो उसके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होगी। कितनी रखी गई है? 57 सेंटीमीटर रखी गई है जो हाइट है वह महिला वर्ग के लिए रखी गई है। और महिला वर्ग में जो दौड़ वगैरह है वो भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों सब में सेम होगी। तो ये जानकारी दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। अब कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होगा उसमें सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो दिल्ली पुलिस ने दोस्तों रीजनिंग तय की है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो बी पार्ट होगा इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा करंट अफेयर्स इसमें बहुत पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर हम डेली बनाकर डालते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा या हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर डेली करंट अफेयर्स के डेली हमारे वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट जो पार्ट है वह है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 नंबर का होगा। और चौथा पार्ट होगा वह कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब एवं वेब ब्राउजर ईटीसी संबंधित, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वह 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का होगा। तो ये दोस्तों जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये आएगा। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको बता दी। तो रीजनिंग में पूरा टॉपिक वाइज ये दिया हुआ है, रीजनिंग का दिया हुआ है, नीचे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक दिए गए हैं, उसके नीचे न्यूमेरिकल एबिलिटी के दिए गए हैं, फिर कंप्यूटर में जो टॉपिक आएंगे वह दिए गए हैं। तो सभी दोस्तों आप नीचे पीडीएफ फाइल के देखकर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, और जैसे कोई नई सूचना आएगी हम आपको तुरंत वीडियो डालकर उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी को पता चल सके कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और कितने पोस्ट पर आने वाली है यह भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आते ही वह वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।